फैसला मैं समझता हूँ ठीक है, हमने इस्तदा और कर रखी है कि खुदा रहा ये तीन चार और मुकदमात जो हैं फुल कोर्ट सुने हमें बिल्कुल। मैंने तो खुद एतजाज आसन की जो पिटिशन थी कि सिविलियंस को फौजी अदालतों में नहीं ट्राई किया जा सकता, ये सिवाय इसके कि आपने खौफ की फिजा बनाने के लिए आपने ये कानून बनाया है, खुदा रहा इस कानून पर भी आप फैसला दीजिएगा, क्योंकि काजी फैज ईसा साहब खुद एक दबंग फैसला पहले 2015 में दे चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था ये एपीएस के बाद 21वीं और 23वीं तरमीम से किया गया था, उन्होंने कहा आईनी तरमीम से भी आप सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं कर सकते, ये पैरेलल जुडिशरी बनाने के मुतरादिफ है जो आईन की रूह को मजरूह करता है, ग्रैंड नॉर्म को। हम तो मैंने एप्लीकेशन दी है कि इसको जो है अर्जेंट एप्लीकेशन के इसको भी लगाया जाए, दूसरे मुकदमात जो इसी नौयत के हैं 90 दिन का इलेक्शन, अरे भाई उसको भी सुन लें, और फिर जो अलवी बिजारा सदर पाकिस्तान जो वहां महबूस है बंद है, जिसका सेक्रेटरी भी उसकी बात नहीं मानता है, मुलाजिम उसकी बात नहीं मानता है, वो कहता है मैंने साइन नहीं किया ये दो बिल, एक आर्मी में अमेंडमेंट तरमीम का, एक ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में तरमीम का, मैंने दस्तखत नहीं किए, ये फ्रॉड बिल्स हैं जो आए हुए हैं, इसके तहत इमरान को ट्राई कर रहे हो, फ्रॉड है ये, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ हुआ है। तो हम सबको करते हैं काजी साहब से कि वो बेशक फुल बेंच बिठाएं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 रुकनी बिठाएं, 3 बिठाएं, फुल बिठाएं, वो एडमिनिस्ट्रेशन उनका अख्तियार है, वो उसको पूरा इस्तेमाल करें, अवाम को रिलीफ दें, आईन को बहाल करें, आईनी हकूक दें, आईनी मसाइल जो है उनको उलझाएं ना, 9, 6, 10, 5, 5, 6, 3, 2 इस चक्कर में ना डालें, तो फैसले करें। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और मीनारे पाकिस्तान को स्टेज भी तैयार हो गया है, वो तो जलसा करने जा रहे हैं, हमें ये बताएं कि कानून क्या कहता है कि जब वो वापस आए तो क्या सलूक हो। देखें वो तो सीधा सीधा है, अगर कोई कानून और आईन की बालादस्ती है, पहले तो मैं वजीर आजम से पूछता हूँ कि एक सजा याफ्ता मुजरिम जो अदालती मफरूर है उसको पाकिस्तान के एम्बेसडर ने उसे कैसे प्रोटोकॉल देकर उनको जो है वहां से अलविदा कहा लंदन से, किस कानून के तहत, उसका तो फर्ज था उसको पकड़ के डिपोर्ट करता, जो अदालती वारंट्स निकले हुए हैं परपेचुअल उनकी तामील करते हुए एम्बेसडर को उसे गिरफ्तार करवाकर उसको यहां भेजना था, डिपोर्ट करना था, ये एम्बेसडर का फर्ज था, एम्बेसडर हमारा उसको सी ऑफ कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तसलसल है ये पीडीएम की हुकूमत का, या कोई डील उनके साथ कर रहे हैं जो भी हुआ है, लेकिन बाहर कैफ हमारे अदालतें जो है इतनी अभी अंधी और कमजोर नहीं हुई हैं। देखें प्रोटेक्टिव बेल जो ये देने जा रहे हैं, आज दे रहे हैं या कल दे रहे हैं, 3 केसेस में, 2 में इनको सजा हुई हुई है, 2 केसेस में सजा हुई है मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, और वो अपीलें जो है दाखिल दफ्तर हो गई हैं इनकी गैर हाजिरी मफरूरी की वजह से, और मफरूरी के परपेचुअल वारंट्स इनके निकल चुके हैं, सो इसलिए इनको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है, जो सजा ना हुआ हो अंडर ट्रायल हो उसको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है कि जी मुझे अब केस का पता चला है और मैं फेस करना चाहता हूँ, मुझे अदालत में रसाई के लिए मुझे 2 दिन या 5 दिन या 7 दिन दिए जाए, यहाँ तो सजा याफ्ता है भाई इसलिए इसको प्रोटेक्टिव बेल। हाँ अगर आएंगे तो कानून ये कहता है कि सीधा इसको अरेस्ट करके जहाज से ही ना निकलने दिया जाए, जहाज से सीधा अडियाला जेल जाए, और अडियाला जेल में माशाल्लाह बाकी प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो सारे इस्तकबाल करेंगे और कैदी भी इनका इस्तकबाल करेंगे। सर ये पीडीएम की आपने बात की इसमें तो पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, पीडीएम के दौर में तरमीम नहीं नहीं आप देख लें पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियरली जुदा कर चुकी है, राहें जुदा कर चुकी है, इसलिए कि अगर फवाद अहमद, फवाद हमारा नहीं था, आहद चीमा हमारा नहीं था प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक नवाज शरीफ का था, एक शहबाज शरीफ का था, अस्करी 5 वजीर जो इनके करीबी थे, करीब तरीन थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के, वो इस काबीना में, तो इसका तसलसल नहीं है, तो और क्या पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग है। इमरान खान और आसिफ जरदारी एक ही ट्रैक पर खड़े नजर आ रहे हैं आपको? देखें सियासत में कुछ भी हो सकता है, इट इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बींग मेकिंग पॉसिबल, सो इसमें कुछ भी हो सकता है, और इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक बात बता दूं, अगर इन्होंने
अवामी सियासत यानी पीपल्स पॉलिटिक्स करनी है। अगर इन्होंने वाकई पाकिस्तान में पीपल्स जो है रूल को बहाल करना है तो इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि हेडमास्टर कोई हर दो चार साल बाद डंडा लेके इनके सर पे आ जाए और ये एक दूसरा इधर हो जाए एक उधर हो जाए, फिर मुकद्दर 75 साल से यही हमारे साथ खेल तमाशा चल रहा है, तो इनको इकट्ठा होना पड़ेगा अगर वाकई ये आइन के साथ मुखलिस हैं और ये पाकिस्तान की तरक्की और तरवीज चाहते हैं और ये जमहूर को हक देना चाहते हैं गवर्नेंस का, तो इनको इकट्ठा सबको होना पड़ेगा सियासतदानों को। अल्लाह करे, क्योंकि मूव चल रही है कि अलवी साहब इस वक्त जो है वो शायद कोई रोल ऐसा प्ले कर रहे हैं और केयर टेकर्स ने पीटीआई के एक साबका वजीर के साथ बातचीत भी शुरुआत की हुई है, तो अल्लाह करे ये राहें खुलें। देखें नफरतें पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं। शफकत महमूद की बात कर रहा हूँ, अब पता नहीं वो हैं या नहीं है, मैं तो पीटीआई में नहीं हूँ इसलिए मुझे क्या बताओ।